हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक देव। तो हेलो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाई हम आपको बताएंगे राजस्थान के मौसम विभाग की बिल्कुल ताजा जानकारी। जी हां भाई, जैसा कि आप जानते हैं महाचक्रवात के बाद बुलबुल चक्रवात का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही कल राजस्थान में भी एक हलचल दिखाई दी है। राजस्थान के बाड़मेर में तूफान के साथ ओलों की बरसात नजर आई है। जी हां भाई, बाड़मेर जिले में ओले गिरने की खबर सामने आ रही है। साथ ही राजस्थान में कई जिलों में बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मची हुई है। तो भाई हम आपको बताएंगे राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात हुई और आने वाले 24 घंटे में किन किन जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है, उसकी बिल्कुल ताजा जानकारी। तो वीडियो अंत तक हमारे साथ बने रहना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं इसी प्रकार की न्यूज के लिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर फटाफट हमसे जुड़ जावे। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मैं अन्य कोई भी नई वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले पहुंच जाएगी आपके पास। तो चलो भाइयों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाइयों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम के बिगड़े मिजाज ने बुधवार को थार में कहर बरपा दिया। बाड़मेर शहर में सुबह 6 बजे शुरू हुआ बरसात का सिलसिला 10 बजे तक चला। 4 घंटे लगातार मूसलाधार तो कभी हल्की बरसात का दौर चला। बाड़मेर में 26 एमएम बरसात रिकॉर्ड दर्ज की गई है। बाड़मेर में मंगलवार बीती रात बूंदाबांदी हुई थी, इसके बाद बुधवार अल सुबह से ही बरसात की झड़ी लग गई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई स्थानों पर जल भराव भी हो गया तथा सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया बाड़मेर जिले के अंदर। वहीं आपको बात करते हैं, राजधानी जयपुर में बादल होने का कारण सर्दी का असर कम हो गया है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक दो जगह पर हल्की बरसात हो सकती है। प्रदेश में सबसे कम तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया 14.5 डिग्री। वहीं दो दिन और रहेगा असर मौसम विभाग के अनुसार। जयपुर के निदेशक शिव गणेश ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ असर के कारण बाड़मेर जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान में मौसम में बदलाव आया है। बादल और बरसात का मौसम 15 नवंबर तक रहेगा, यानी कि भाइयों आने वाली 15 नवंबर तक ऐसे ही कभी बरसात तो कभी ओले गिरने की संभावना और हो सकती है। वहीं आपको बताना चाहते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र में गिरे ओले जिले के गढ़रोडगढ़ क्षेत्र में शाम को अचानक पलटे मौसम के बाद तूफानी बरसात के साथ ओले गिरे हैं। इससे किसानों की कटी फसल तूफान उड़ाकर ले गया, कई जगह पानी भीग गई। वहीं किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है कल ओले गिरने की खबर से। तो भाइयों कल किसानों को बहुत नुकसान हुआ है ओले गिरने से। वहीं किसानों की जो फसल कटी हुई थी वो तूफान से बिगड़ गई है। वहीं आपको बताना चाहते हैं, दिल्ली से सटे इलाकों में जैसे कि आप जानते हैं अलवर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, झुंझुनू, चूरू, ये सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। इन सभी क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिला है। अलवर के आसपास के क्षेत्रों में कोहरा बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध पड़ रही है, साथ ही बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ रही है। और यहाँ बताना चाहते हैं अगले 24-48 घंटे में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बरसात दर्ज की जा सकती है, तो आप भी सावधान रहे। तो भाई ये थी पूरे राजस्थान के मौसम विभाग की बिल्कुल ताजा जानकारी, जिसके तरह आपको बता दिया है कहाँ कहाँ मौसम कैसा रहेगा। अगर आप भी अपने जिले या राज्य की मौसम की जानकारी हमसे पाना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत अपने नाम के साथ अपने जिले या राज्य का नाम तुरंत कमेंट कर देना, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे उसमें आपके जिले या राज्य के मौसम की जानकारी आपको दे देंगे कि वहां पर मौसम कैसा रहेगा। इसलिए कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर देना फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह, ताकि सभी दोस्तों यार तक ये मौसम की जानकारी पहुंच जाए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। तो वीडियो में आज कितना ही भाई, जय हिंद जय भारत।